ऑस्कर में नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि ज्यादा बड़बोलापन इंसान के व्यक्तित्व को हल्का बना देता है और खासकर जब आप किसी संवैधानिक पद पर हों और लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हों, तब तो आपको और नाप तौल कर बोलना चाहिए क्योंकि आपको पूरा देश सुनता है। लेकिन संसद के अंदर भी कुछ ऐसे ही सांसद हैं जिन्हें अभी जुमा जुमा चार दिन ही हुए हैं, लेकिन उन्हें कुछ तो बोलना है। चलिए बोलने तक भी ठीक है, बोलना भी चाहिए, लेकिन बोलने के नाम पर कुछ भी बोल देना और वो भी बिना सोचे समझे, ये दिमागी दिवालियेपन को भी दर्शाता है। अगर ऊपर वाले ने आपको बोलने के लिए जुबान दी है तो सोचने के लिए दिमाग भी दिया है ताकि बोलने से पहले जरा दिमाग पर जोर डालकर सोच ले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुंह है कुछ भी बक दो, और जो लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं ऐसे ही लोगों को बड़बोला कहा जाता है, जिसकी बातों को कोई भी गंभीरता से नहीं लेता। कंगना रनौत भी उसी कैटेगरी में आती हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कह दिया कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ। अब इनसे कोई पूछे कि 1857 से लेकर 1947 तक जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजाद कराने के लिए लड़ा, फिर वो क्या था? खैर, हमने तो इतिहास के किताबों में यही पढ़ा है कि देश 1947 में आजाद हुआ था। अब कंगना रनौत किस शाखा से प्रकाशित इतिहास की किताब पढ़ी है ये तो वही बता सकती हैं। वैसे तो कंगना के बड़बोलेपन की बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन एक ताजा घटना राहुल गांधी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कह दिया कि जिस हालत में वो संसद पहुंचकर बदहवास बातें करते हैं, मैं कल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। संसद में उन्होंने कहा कि ये जो कंपटीशन है ये शिवाजी की बारात और चक्रव्यूह में है। क्या इस बात से नहीं लगता कि किसी आदमी का ड्रग टेस्ट होना चाहिए? मुझे तो लगता है कि जांच होनी चाहिए, या तो वो शराब के नशे में या ड्रग के नशे में है। क्या कोई इंसान होशो हवास में ऐसी बातें करता है? अब आप जरा सोचिए कि ड्रग और नशे की जांच की बात वो कर रहा है जो खुद पहले ये कह चुका है कि मैं ड्रग एडिक्ट थी। अगर आपको यकीन नहीं तो खुद सुन लीजिए। मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं मतलब हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। मेरी माँ कहती है कि एक बार तुम मैंने बारिश में नाचते हुए तुम्हें देखा, आधा घंटा तुम ऐसा लगता जैसे आसमान को से कुछ खींचने की कोशिश कर रही हो। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद थी। सुना आपने, ये खुद कह रही हैं कि एक समय था जब वो ड्रग एडिक्ट हो गई थी और अभी संसद में आए जुमा जुमा चार दिन ही हुए और ड्रग और नशे पर भर भर के ज्ञान देने लगी। मतलब राहुल गांधी की विरोधी हैं तो कुछ भी बोलेंगी बिना सिर पैर के। इनके अलावा जो सांसद कई बार जीत कर संसद पहुंचे और लोगों की नुमाइंदगी लगातार कर रहे हैं, उनमें से अभी तक किसी को भी ये नहीं लगा या फिर कोई भी नहीं पकड़ पाया कि राहुल गांधी नशे में संसद पहुंचते हैं और नशे में धुत होकर ही बोलते हैं। बस इन्हीं को इस बात का ज्ञान है। खैर, राहुल गांधी को लेकर कंगना ने जो कुछ भी बोला उसे लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं और कंगना रनौत को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। चलिए पढ़कर हम आपको सुना देते हैं कि लोगों ने क्या कुछ बोला है। धर्मेंद्र नाम के एक यूजर ने लिखा, जिसको देश आजाद कब हुआ ये नहीं मालूम, वो दूसरों के ज्ञान पे उंगली उठाए अच्छा नहीं लगता। एक यूजर ने कमेंट किया, देश को आजादी 2014 में मिली, ये लाइन आपने चरस खा के बोला था या गांजा। अशोक शेखावत नाम के यूजर ने लिखा, नेता प्रतिपक्ष पर ये महोदया ड्रग्स का नशा करने का गंभीर आरोप लगा रही हैं, ये निंदनीय है। लोगों का कहना है कि यह महोदया का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इन्हें अपने मानसिक संतुलन का इलाज कराने की आवश्यकता है। एक यूजर ने तंज कसते हुए लिखा, 2014 में पैदा होने वाले लोग ऐसी बातें नहीं बोलते, आप अभी नाबालिग हैं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, देखो देखो कौन बोला, जो खुद ड्रग्स और शराब के नशे की आरोपी है। तो इस तरह से कंगना द्वारा राहुल गांधी पर दिए बयान के बाद लोग सोशल मीडिया पर जमकर उनकी फजीहत कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कंगना ने राहुल गांधी के लिए जो कुछ भी बोला है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।